पिछले हफ्ते जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत सुरक्षा पर गौर करते हुए ईरान, इराक और अफगानिस्तान के साथ घनिष्ठता बढ़ाएगा। रावत के मुताबिक इस तरह की रणनीति से पाकिस्तान के लिए दोतरफा दुविधा पैदा होगी और इससे अन्य कठिन पड़ोसी चीन से निपटने में भी मदद मिलेगी। रावत ने चीन के द्वारा कश्मीर मुद्दे पर चीन की दखलअंदाजी करने की बात पर ये बात कही थी। रावत के बयान के बाद चीन ने अब अपनी तरफ से इसका जवाब दिया है। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के द्वारा कहा कि भारत जानबूझकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी चिंताओं की पूरे विश्व में बढ़ा चढ़ाकर व्याख्या कर रहा है। भारत का कहना है कि आर्थिक गलियारे की आड़ में भारत और पाकिस्तान विवाद में दखल देना चाहता है। चीन का सीपीईसी जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर वाले क्षेत्र से होकर गुजरता है, उसके द्वारा विवादित पीओके को पाकिस्तान के कब्जे को वैध ठहराना चाहता है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए चीन ने कहा कि वो भारत तथा पाकिस्तान दोनों की इच्छाओं के अनुरूप होने की शर्त पर दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करेगा। वहीं भारत ने अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ाने के संकेत भी दे दिए हैं, जिससे चीन को उसके आर्थिक कॉरिडोर को अफगान तक ले जाने में दिक्कतें महसूस होने लगी हैं, क्योंकि अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तकरीबन युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं और इसी समय भारत का अफगानिस्तान से मदद का हाथ बढ़ाना पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए परेशानी बन जाएगा। टीम इंडियन इंग्स।